Dubrovnik. अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं त्रोगिर क्रोएशिया में एक छोटी सी कोस्टल सिटी है, मेन सिटी जो इसके साथ लगती है उसे कहते हैं स्प्लिट। और अभी मैं अपने लिए बना रहा हूँ नाश्ता क्योंकि मेरे पास इस अपार्टमेंट में भी है किचन की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो नाश्ता आज जो है ना अपना खुद बनाया जाएगा क्योंकि यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे और मोस्टली सुपरमार्केट्स जो है मोस्टली क्या सारी बंद है। सिर्फ ये छोटे मोटे खोखे शोखे जो होते हैं कि उसको अगर आप वो खुले होंगे तो मुझे जैसे ही रस्ते से कोई रेस्टोरेंट वगैरह मिलेगा वहाँ से मैं ज़्यादा थोड़ा पेट हैवी कर लेंगे, लेकिन अभी घर से निकलने से पहले थोड़ा सा जो है ना होना चाहिए। आज का प्लान ये है कि मैं कोस्ट के साथ साथ ही ड्राइव करता आगे जाऊँगा दुब्रोवनिक, जो कि बिल्कुल मॉन्टीनेग्रो के बॉर्डर के पास है। और जिन लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है वो इस सिटी को जानते हैं क्योंकि ये गेम ऑफ थ्रोन्स की मेन लोकेशन रही है, जहाँ पे किंग्स लैंडिंग और इस तरह के काफी ज्यादा चीजें जो है वो वहां पे उन्होंने रिकॉर्ड की थी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दुब्रोवनिक जाने के लिए रास्ते में आपको एक बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है बोस्निया का। वो छोटा सा बॉर्डर है नियोम, अगर आप गूगल पे देखिए मैं उसका मैप लगा देता हूं, तो वो क्रॉस करना चाहते हैं 10 मिनट में वो क्रॉस हो जाता है। मेरी कोशिश होगी कि मैं बोस्निया वाले से पूछूं कि अगर तो वो मुझे बोस्निया में इंटर होने दे अलाउ करें तो मैं मुस्तार की तरफ चला जाऊंगा, फिर मैं दुब्रोवनिक की तरफ नहीं जाऊंगा। मुस्तार और दुब्रोवनिक दोनों का डिस्टेंस बॉर्डर से सिमिलर है, 1 घंटा लगता है। और आज का जो टोटल रूट होगा वो 300 किलोमीटर और मेरे ख्याल में 5 घंटे मुझे लगेंगे क्योंकि ये स्लो रूट है, कोस्ट के साथ साथ जाता है, हाईवे में नहीं ले रहा। तो अभी सबसे पहले करते हैं अपनी पेट पूजा, नाश्ता वगैरह करके सामान वगैरह मैंने ऑलमोस्ट सेट कर दिया, एक दो चीजें रहती हैं वो मैं कैमरा वगैरह भी डालूंगा और उसके बाद हम अपनी राइड करते हैं स्टार्ट। थैंक यू सो मच, बाय। दिस सर, थैंक यू। बिस्मिल्लाह। ये जो सारी मेडिटेरेनियन सिटीज होती हैं, ये कोस्टल सिटीज, ये ऐसी हैं, ऊपर नीचे थोड़ी थोड़ी सी जगह होती है, हेलो, जहाँ पे घर वगैरह बने हुए हैं और कार जो है उसकी पार्किंग का बड़ा मसला होता है। और कल मैं यहाँ से खाना खाने के लिए जब नीचे जा रहा था, तकरीबन मुझे 15-20 मिनट की वॉक हो जाती है यार, लेकिन फिर मेरा बाइक लेके जाने के नीचे दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा चल यार पैदल चलते हैं, 20 मिनट नीचे जाना खाना खाने के लिए, 20 मिनट आना, तो काफ़ी बंदा थकावट हो जाती है यार। अच्छी खासी हाइट पे है, वैसे तो इतना कुछ नहीं मुझे कहता, लेकिन जब आपने कैमरा गियर और ये वो सारी चीज़ें लेके जानी होती है और सुबह के थके हुए होते हैं तो मसले मसाइल होते हैं छोटे छोटे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो अभी बताना भूल गया था, कल मेरी बात हो रही थी इंस्टाग्राम पे, मैं लाइव गया था तो मेरी कुछ लोगों से हो रही, मैं सोच रहा था यार बाइक का नाम दें, हमने अभी तक बाइक को कोई नाम ही नहीं दिया ना, तो लोग तो जो बाइक खरीद के लाते हैं तो साथ ही उन्होंने कोई ना कोई नाम सोचा होता, लेकिन मैंने कोई नहीं सोचा था। मैं चाहता था कि कोई देसी पाकिस्तानी नाम ऐसा हो कि जो एक वो आई कैचिंग हो। कुछ लोगों ने मुझे मशवरा दिया था पहले भी कि इसका नाम रखें रंगीली, मुझे तो पसंद आया और आज से हमने बाइक का नाम रख दिया है रंगीली। तो आगे से जितने व्लॉग्स में मैं अगर कोई रंगीली का नाम लूंगा ना तो वो मेरी बाइक होगी। आप उसका गलत मतलब ना निकालिएगा कि भाई ये पता नहीं अब रंगीली कौन है। तेरी खैर, सामने जो है ना बड़ी बारिश दबा के पड़ रही है। मेरी नेविगेशन बता रही है दुब्रोवनिक तक 240 किलोमीटर विदाउट एनी डिटूर और 4 घंटे डायरेक्ट अगर मैं बगैर रुके जाऊं तो, लेकिन क्योंकि हमने दरमियान में एक बॉर्डर भी क्रॉस करना है तो वहां पे भी रुकना पड़ेगा। उसके अलावा 2-3 और जगह हैं जहां पे मैं रुकना चाह रहा हूं,
तो थोड़ा सा हमें टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाएगा। थोड़ा सा क्या लगेगा, मैं मोस्टली अगर मेरी 4 घंटे की राइड होती है तो वो मेरी जा के 8 में मुकम्मल होती है, कि अगर मैं 2-3 जगहों पे रुकूं, ड्रोन उड़ाऊं, उसके अलावा साथ में तस्वीरें वगैरह लूं, तो आधा पौना घंटा हर ब्रेक पे कहीं गया ही नहीं। लेकिन ये कि एक रिलैक्सिंग हो जाता है, उसमें बंदे को थोड़ी थकावट कम होती है, ठीक है। हर आध पौने घंटे बाद एक जो है ना 20-25 मिनट की अगर ब्रेक ले ली जाए तो बेहतर रहता है। अभी इसमें पेट्रोल जो है वो काफ़ी है, कल मैंने जब डलवाया था वो तकरीबन 60 किलोमीटर पहले डलवाया, तो आज हम आगे जाके ही डलवाएंगे। कोस्ट के साथ साथ जो है काफी ज्यादा सिटीज हैं, क्योंकि ये मेन टूरिस्ट की एक लाइन है। आप क्रोएशिया के एक साइड से स्टार्ट हो और बिल्कुल एंड तक जाएंगे तो ये टूरिस्ट से भरा हुआ है। माउंटेन रीजन की तरफ कम लोग जाते हैं, क्योंकि क्रोएशिया के बीचेस वगैरह और इनकी ये सिटीज जो है ये मशहूर है, तो इसलिए मोस्टली लोग जो है वो इधर ही आते हैं। अल्लाह यार, बहुत दिल खुश हो जाता है। थोड़ा सा डिफरेंट सा जैसे जैसे इन्वायरमेंट आती है पहाड़ों से, थोड़ा सा मैं वो सेम सीनरी होगी थी बड़े दिनों से, तो अब बीच को देख के, पानी को देख के, और इसका पानी इतना साफ है, देखा दिल खुश हो रहा है। दिल कर रहा है कि अंदर पानी में जाऊं यार। रास्ते में कोई अच्छा सा बीच आया तो वहाँ पर अपने बीच वाले शॉर्ट्स निकाल के हम भी पानी में डुबकी लगाएंगे। मैंने एक जगह तो ढूंढी है खाने के लिए, मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे ना चेक करूँ। हेलो बेटे, पता नहीं क्या कह रहा है, मुझे तो समझ नहीं लग रही उसकी। कुछ खाने के लिए इनसे पूछते हैं, अगर मिल जाए तो। फ्रॉम जर्मनी, फ्रैंकफर्ट। यस। नो नो, नॉट टुडे। यस। Hello. Hello. Do you have something to eat here? Yeah. Cool. Yeah. This is the best chef. Okay. You cook fresh meat today with the potato. Yeah. Kartoffel. Enjoy yourself. Okay. You have a good time here. Thank you. You want to sit inside? Outside is okay. Yeah, whatever you want. You know, just make yourself comfortable. Enjoy. Okay. Yes. तो मैं रोड से गुजर रहा था और इन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, तो मैंने देखा कि रेस्टोरेंट और मुझे भूख भी लगी है, तो मैं यहाँ आ गया हूँ खाने के लिए। सो दिस जेंटलमैन स्पीक्स इंग्लिश और दिस गाय इज़ फ्रॉम बोस्निया एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गाय, इज़ मेकिंग माय फिश। बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं और दे ट्राई टू अरेंज माई ट्रिप टू मोस्तार। इन्होंने कॉल किया वहाँ पे कि अगर मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, कोई इनके जानने वाले हैं शायद, लेट्स सी, ट्राई करते हैं। थैंक यू वेरी मच, तो मैं कोशिश करूँगा जाके। वालेकुम सलाम, बैक टू यू एज़ वेल। सो मैं अभी अपनी फिश का इंतज़ार कर रहा हूँ, जैसे ही आती है ज़रा खा के फिर निकलते हैं उस बॉर्डर की तरफ और देखते हैं कि जिन्होंने जो अरेंज किया वो ट्राई कर इंटर होने देंगे कि नहीं देंगे। मेरे ख्याल में यहाँ की सबसे जो बेस्ट फिश है वो आज ये बना के बंदा लाया और बिल्कुल फ्रेश यहाँ से पकड़ के। थैंक यू सो मच। हाउ यू से थैंक यू इन क्रोएशियन? वाला। थैंक यू वेरी मच।
और अभी मैं जा रहा हूँ बोस्निया के बॉर्डर की तरफ। यहाँ पे जो जेंटलमैन बैठा हुआ था उसने अपने किसी जानने वाले को कॉल किया। एक बॉर्डर है बोस्निया का, छोटा सा बॉर्डर है क्रोएशिया के साथ लगता, कह रहा था कि अगर मैं वहां से ट्राई करूँ तो वो मुझे एंटर होने देंगे। वो यहाँ से 35 मिनट की ड्राइव है, लेकिन वो इस रोड पे नहीं है। ये जो रोड है ये सीधी जा रही है दुब्रोवनिक, और जो यहाँ पे बोस्निया का बॉर्डर है उससे मैं एंटर हो सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ आगे क्रोएशिया जाने के लिए, क्योंकि दुब्रोवनिक और मेन क्रोएशिया के दरमियान जो छोटा सा बोस्निया का पार्ट आ रहा है वो 10 मिनट में क्रॉस करना होता है। और कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे वहां से बोस्निया एंटर होने देंगे तो फिट है, तो लेट्स सी ट्राई करने में क्या हर्ज है। और मैं इसलिए ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं बोस्निया जा चुका हूँ, वहां पे थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है किस तरह का मुल्क है, जो उनकी सिटीज हैं, उनका कल्चर चाहूंगा मैं आप लोगों को वो दिखा सकूँ, और कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा बहुत आपको ज्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ उसके बारे में। तो ये एक रीजन है बोस्निया जाने की, अदरवाइज मेरे लिए ऐसा आना है कि मैं यहाँ से क्रोएशिया और आगे मोंटीनेग्रो और आगे अल्बानिया ग्रीस जो है ना इंटर हो जाऊँ। अब देखते हैं कि ये लोग इंटर होने देते हैं कि नहीं। हम लोग पहुंच गए हैं बॉर्डर पे, छोटा सा बॉर्डर है, आई थिंक यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, देख सकते हैं मेरे सामने बिल्कुल टोटल खाली है। लेट्स सी, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। वो आगे बैठे हैं, हेलो, जस्ट अ सेकंड, थैंक यू सर। इज दिस द क्रोएशियन साइड और द बोस्नियन साइड? ये वो क्रोएशिया बोस्निया। ओके थैंक यू। ये तो है जी क्रोएशिया साइड, और इधर से तो कोई मसला होना भी नहीं चाहिए था। मोबाइल की रोमिंग ऑफ करनी है क्योंकि बोस्निया में ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ सकती है मुझे। अब हम आ गए हैं जी बोस्निया में, लेट्स सी जाने देते हैं कि नहीं। सो नॉट अलाउड अगेन, नॉट अलाउड, थैंक यू। सो बैक टू क्रोएशिया, बोस्निया। खैर है, अगर आप लोग मुझे नहीं आने देते तो मैं क्या कर सकता हूँ। हम लोग दुब्रोवनिक चलते हैं। आप थैंक यू। और ये बैठे हुए मेरे ख्याल में बोस्निया वाले ना। हाय, दुब्रोवनिक, इज इट पॉसिबल टू गो टू मोस्तार? या नॉट, नॉट, नॉट अलाउड। सो अब हम एंटर हो गए हैं जी बोस्निया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम मुस्तार नहीं जा सकते। हम सीधा यही रोड लेके दुब्रोवनिक जा सकते हैं, सिंपल, हमें इतना अलाउ है। यहाँ से मुझे दिखा रही है मेरी नेविगेशन कि हम सिर्फ 3 मिनट दूर हैं अपनी अकोमोडेशन से। अब सबसे बड़ा मसला जो है ना यहाँ पे पार्किंग का होना है मुझे। देखते हैं, अल्लाह करे कि आसपास में कोई छोटी मोटी जगह मिल जाए कि जहाँ पे मैं इसको पार्क कर दूँ। अभी मैंने 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले बंदे को कॉल की थी कि भाई मुझे तेरा घर नहीं मिल रहा। अभी वो आया, आगे गाड़ी पे गुजर गया। अब मैं उसको फॉलो करूँगा और ऐसे हम उसकी तरफ जाएँगे। कि इतना आसान नहीं है यहाँ पर पार्किंग ढूँढना। हसन, या
Hi. Abrar. Hasan. Wollen Sie hier diese weit? Ja. Mit Motor? Ja. To him. Ja. Straight. Until you don't see steps. When you see steps, wait me there. I'm coming from other side. Okay. Very good. Next to the up. Volkswagen up. Straight. To the down. Wait me. 10 minutes. 10 minutes. Okay. भैया आगे तो छोड़, यहाँ पे ना खड़े होते हैं सिटी के बिल्कुल ऊपर, ठीक है। मेरे ख्याल में यहाँ पे हम पार कर सकते हैं, अगर तो वो आया तो इधर ही हम पार कर देंगे इसको। सो ये है जी सिटी, आपको यहाँ से मैं इसका फर्स्ट व्यू तो देता हूँ। ये है जी मेरे अपार्टमेंट का टेरेस और इससे व्यू चेक करें, कमाल। मैं कहता हूँ सारे पैसे जो हैं वो इस व्यू के हैं। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो हमें यहाँ से 25 मिनट दूर वॉक करके आना पड़ता था, तो इससे डबल एक्सपेंसिव था वो अपार्टमेंट। तो लकली कोरोना की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपार्टमेंट्स फ्री हैं। जिस अपार्टमेंट में मैं हूँ इसमें 5-6 रूम है और सिर्फ एक और गेस्ट है। तो मेरी खुशकिस्मती कि मैं वहाँ से निकलते हुए अभी मैंने 2 घंटे पहले इसको बुक किया और इतनी आला लोकेशन पे और इतना सस्ता अपार्टमेंट मिला। पहले मैं सोच रहा था कि मैं एक रात यहाँ पे स्टे करूँ और कल मैं मॉन्टीनेग्रो चला जाऊँ, क्योंकि वहाँ के बॉर्डर जो हैं वो खुले हैं। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे 2 रातें स्टे करूँगा। एक तो मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ और दूसरा ये कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं सिटी का व्लॉग बना के वो दिखा दूँगा जो आप नेक्स्ट व्लॉग देखेंगे, क्योंकि मैं कल जाऊँगा सिटी एक्सप्लोर करने। अभी मेरे में हिम्मत नहीं हो रही, थोड़ा बहुत मैं अभी खाना पीना खाऊंगा और साथ में कोई एक ब्लॉग एडिट करके अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आप लोगों का शुक्रिया फ्रॉम दुब्रोवनिक, और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।